अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ और आज की हमारी रेसिपी है स्टीम केक एग पुडिंग। तो चलते हैं और बनाते हैं आपके लिए ये रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 10 अदद हमने अंडे लिए हैं, 1 किलो दूध लिया है, इसके साथ ही 8 खाने के चम्मच मैंने शुगर लिए और 125 ग्राम मैंने केक लिया है या एक प्याली ले लें, 6 खाने के चम्मच बादाम और पिस्ते पीस के रखें, इसके साथ ही 1/4 चाय का चम्मच जर्दे का रंग। एक इस तरह का थाल ले लेंगे। सबसे पहले हमने अंडे फेंटने, सब अंडों को तोड़ के हम शामिल करेंगे। 10 अंडों को मैंने इसमें तोड़ लिया है। अब इसके साथ हमने इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। इसके साथ ये हम शुगर भी साथ में शामिल करेंगे क्योंकि दोनों को एक साथ फेंटना है। अच्छी तरीके से हमें फेंटना, चीनी चीनी और अंडे एक जान हो गए। अब हम शामिल करेंगे दूध को, थोड़ा दूध करके शामिल करेंगे। थोड़ा दूध और शामिल करेंगे, इसके साथ ही हमने जर्दे का रंग शामिल कर लेना। फिर थोड़ा दूध शामिल करेंगे। केक को चूरा करके शामिल करूंगी, जो केक है हम इसको उठा के इस तरह चूरा चूरा करेंगे। ये प्लेन केक मैं आपको सिखा चुकी हूँ। शुगर का इस्तेमाल इसलिए हमने कम किया है कि इसके अंदर हमने मीठा केक शामिल किया है। केक हम शामिल कर देंगे इस तरह। केक ठीक हो चुका है, अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। आंच पर हमने पतीला पानी का रख दिया है। जैसी गर्म देखिए गर्म हो रहा है, हम ये थाल जो है इस पर रखेंगे क्योंकि ये स्टीम से बनेगा। इस तरह हम रख देंगे, इसके ऊपर एक और थाल रख देंगे ताकि इसकी एयर बाहर ना निकले। इसके ऊपर हमने इस तरह से ढक देना है। अब ये स्लो फ्लेम पे रख देंगे, कम से कम 1 घंटे में ये स्टीम से कंप्लीट हो जाएगी। जब ये कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपको दिखाती। 1 घंटा हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको चेक करेंगे हम, ये बिल्कुल पानी नहीं है, मीटर के लिए चम्मच बाहर आनी चाहिए क्योंकि इसमें हल्का सा भी पानी रह गया तो ये ख़राब हो जाएगी। देखिए इस तरह की तैयार हो चुकी है। अब इसको हम ठंडा करेंगे फिर डिश आउट करेंगे। ठंडा हो चुका है, अब हम इसको कटिंग करेंगे। ठंडा होने के बाद ही अगर हम कटिंग करेंगे तो फिर आसानी से हमारी कटिंग हो सकती है।
अब हम ऊपर से बादाम पिस्ते जो पीस के रखे हैं वो शामिल करेंगे। स्टीम केक एग पुडिंग की रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप इस तरह का मीठा भी ज़रूर बनाएं क्योंकि ये पुडिंग भी बहुत मज़े की बनती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये अंदर से भी किस कदर जूसी है। ठीक है, तो ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस आपको मिल सके। इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।